आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हमें ब्लाउज पर डिज़ाइन किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैंने गले की कटिंग कर ली है, स्क्वायर शेप में गला उसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद मैंने फैब्रिक का एक टुकड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 3 इंच। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और एक स्क्वायर शेप बना लेनी है इस तरीके से। इसी तरह से मैंने बहुत सारी शेप्स बना के रेडी करनी है। अब इन शेप्स को हम ब्लाउज पर इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और स्टिच लगा देंगे। देखिए अभी हमारी सभी पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब हम इसी तरह की एक शेप कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह फैब्रिक को रखकर हम शेप कट कर लेंगे और फिर उसके बाद इस पर स्टिच कर देंगे इसे उल्टा रखकर। हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस फैब्रिक पर ब्लाउज पर ये कपड़ा स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाना है। हम सिर्फ यही इधर और इस लाइन में ही कट लगाना है। अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। मैंने इस पर एक यहाँ स्टिच लगा दी है ताकि ये जो हमारा डिज़ाइन है वो एकदम बैठ जाए और खड़ा खड़ा ना रहे। अब हम इस पर यहाँ लैस लगा देंगे। तो हमारा ये ब्लाउज़ बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।